शरीर पर ऐसे निशान है तो वो है सबसे भाग्यशाली, आपके घर में लेकर आएगी सौभाग्य। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे औरतों की ऐसी गलतियों के बारे में जिसके कारण आपके घर में दुर्भाग्य का वास हो जाता है और आपको कभी भी किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों हमारे प्राचीन हिंदू धर्म में महिलाओं को घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। किसी भी घर में जब कोई महिला विवाह करके आती है तो उसका लक्ष्मी की तरह ही स्वागत किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि नई बहू नया भाग्य लेकर आती है, उसके चरणों के साथ ही घर में सुख समृद्धि और वैभव आता है। यूँ तो हर महिला भाग्यशाली होती है, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के शरीर पर कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताया गया है। अगर किसी स्त्री के शरीर पर ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो वो साक्षात लक्ष्मी माँ का प्रतिबिंब मानी गई है। ऐसी महिलाएं अपने पति के लिए अत्यंत शुभ और भाग्यशाली होती है। ऐसी महिलाओं के साथ विवाह करने वाले पुरुष तरक्की करते हैं और सदैव यश को प्राप्त करते हैं। दोस्तों सामुद्रिक शास्त्र एक प्राचीन धर्म ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के शरीर के अंगों की बनावट को देखकर उसके भूत और भविष्य के बारे में जाना जा सकता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने अपनी योग शक्ति से इन शक्तियों की रचना की है, इसी कारण विवाह से पूर्व व्यक्ति के शरीर पर इन लक्षणों को देखा जाता है। आइए आपको बताते हैं भाग्यशाली महिलाओं के शरीर के लक्षण, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। नंबर एक, गुलाबी पांव। ऐसी महिलाएं जिनके पांव बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और रंग में गुलाबी और पूरी तरह से विकसित होते हैं वो अपने पति को बेहद ही खुश रखती हैं। ऐसी महिलाओं की रुचि शारीरिक संबंधों में अधिक होती है और इसी कारण उनका जीवन साथी उनसे हमेशा नजदीकी बनाए रखता है। नंबर दो, पांव की उंगलियां। जिस भी महिला के पांव की हर उंगली समान लंबाई की होती है वो अत्यंत भाग्यशाली मानी गई है। ऐसी महिलाएं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ खुशी ही हासिल करती है। ऐसी महिलाओं की किस्मत हमेशा उनके साथ रहती है और उन्हें जीवन में बहुत ही कम मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। ऐसी महिलाओं पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। नंबर तीन, नाक के पास तिल का होना। महिलाओं की नाक के अगले हिस्से पर तिल या मस्सा होना बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होने की निशानी होता है। नाक पर तिल वाली महिलाएं धन आकर्षक होती है। ऐसी महिलाएं जिस भी घर में विवाह करके जाती है वहां पर सुख और समृद्धि लेकर आती है। नंबर चार, कोमल जीभ। लाल और कोमल जीभ वाली महिलाएं जीवन में स्वयं भी सुख भोगती है और अपने परिवार को भी सुखी रखती है। ऐसी महिलाओं की वाणी अत्यंत मधुर होती है। ऐसी महिलाएं अपनी वाणी से घर के सभी सदस्यों को सदैव सुख प्रदान करती है। नंबर पाँच, बड़ी बड़ी आंखें। हिरने की तरह बड़ी बड़ी आंखों वाली महिलाओं के जीवन में प्रेम और सुख हमेशा बना रहता है। इसके अलावा जिन महिलाओं की आंखों का सफेद भाग अंत में लाल रंग का दिखाई देता है वो अपने परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली मानी गई है। नंबर छह, पैर का अंगूठा। जिन महिलाओं के पैर का अंगूठा अधिक लंबा होता है उसे अपने जीवन में बार बार परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन जिस महिला का अंगूठा चौड़ा गोल और लालिमा लिए होता है वो स्त्री बेहद भाग्यशाली होती है। नंबर सात, छाती पर तिल। जिस भी महिला की देह के बाएं हिस्से पर ज्यादा तिल या मस्से होते हैं सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसी महिलाएं परिवार के लिए भाग्यशाली साबित होती है। नंबर आठ, माथे पर तिल। जिस भी महिला के माथे के बीचों बीच तिल होता है उसका विवाह अत्यधिक धनी और संपन्न व्यक्ति से होता है। मान्यता है कि जो महिला जब चलती है अगर तब उसके कदमों से लगकर धूल उड़ती है तो ऐसी महिलाएं अपने परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बनती है। ऐसी महिलाएं घर में दरिद्रता और कंगाली लेकर आती है। नंबर नौ, गोल एड़ियां। जिस महिला के पांव की एड़ियां गोलाकार और कोमल होती है वो जीवन में सुख सुविधाओं का आनंद उठाती है और उसका परिवार प्रसन्न रहता है। वहीं ऐसी महिलाएं जिनके दांत लंबे होते हैं ऐसी महिलाओं को कभी भी धन से जुड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। जिन महिलाओं के एक के ऊपर एक दो दांत होते हैं ऐसी महिलाएं अत्यंत भाग्यशाली होती है। इन महिलाओं का विवाह जिस भी व्यक्ति से होता है वो जीवन में तरक्की ही करता है। नंबर 11, उंगलियों का जुड़ना। जिस भी महिला के पैरों की उंगलियां एक दूसरे से जुड़ी रहती है ऐसी महिलाएं धनी और कोमल स्वभाव की होती है। नंबर 12, बाएं गाल पर तिल का होना। जिस महिला के बाएं गाल पर तिल होता है वो महिला खाने की बहुत ही ज्यादा शौकीन होती है और हर तरह के व्यंजनों का लुत्फ उठाती है। ऐसी महिलाओं के हाथों में जादू होता है और इनके द्वारा बनाए गए खाने का स्वाद अमृत की तरह होता है। नंबर 13, पैरों के तलवे। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के पैरों के तलवे के नीचे त्रिकोण चिन्ह का निशान होता है ऐसी महिलाएं बुद्धिमान और सूझबूझ वाली होती है। वो अपनी बुद्धिमानी और समझदारी से अपने परिवार की सहायता करती है और परिवार में हमेशा खुशहाली बनाए रखती है।
नंबर 14 तलवों पर शंख। महिलाओं के पैरों के तलवों पर शंख, कमल या चक्र बना हो तो ऐसी महिला साक्षात लक्ष्मी माँ का प्रतिबिंब होती है, या तो वो स्वयं या फिर उनके पति किसी बड़े औहदे पर विराजमान होते हैं। नंबर 15 नाभि। जिन भी महिलाओं की नाभि के आसपास तिल या मस्सा होता है तो वो अपने परिवार के लिए अत्यंत ही भाग्यशाली मानी गई है। उनका जीवन सुख और संपन्नता से व्यतीत होता है। ऐसी स्त्रियां जिनकी नाभि गहरी होती है लेकिन अंदर की ओर से उठी हुई नहीं होती, तो ऐसी महिलाएं जीवन भर सुख भोगती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में महिलाओं को पूजनीय माना जाता है। घर की स्त्री को लक्ष्मी माना जाता है क्योंकि उसके कर्मों के कारण ही घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। अगर घर की स्त्री बुरे काम करने वाली हो तो ऐसे घर में लक्ष्मी नहीं रहती। घर की महिलाओं का ये कर्तव्य होता है कि वो ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे माँ लक्ष्मी रूठ जाए। माँ लक्ष्मी का घर पर आना और चले जाना पूरी तरह से महिलाओं के ऊपर ही निर्भर करता है। महिलाएं जाने अनजाने में कुछ ऐसे काम करती है जो उन्हें भूल से भी नहीं करने चाहिए। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो काम। लेकिन उससे पहले ये बात जरूर जान लें कि जिस भी घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, ऐसे घर में लक्ष्मी माँ कभी भी प्रसन्न नहीं होती और हमेशा के लिए ऐसे घर को त्याग देती है। इसलिए भूल से भी घर की महिलाओं का अपमान ना करें। दोस्तों, नंबर 1, जिस घर की महिला ज्यादा देर तक सोती है उस घर में देवी लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती। जो महिला सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करती है, ऐसे घर में नकारात्मकता कभी भी प्रवेश नहीं करती। साथ ही ऐसे घर में सदैव देवी देवताओं का वास होता है। अगर महिला ज्यादा देर तक सोती रहती है तो ये शुभ नहीं माना जाता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सेहत के लिहाज से अच्छा नहीं होता। ज्यादा देर तक सोने से व्यक्ति आलसी बनने लगता है। नंबर 2, महिलाओं को भूल से भी रात में अधिक देर तक जागना नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो ये उसके लिए अच्छा नहीं माना जाता। देर से सोने वाली महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, साथ ही उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है जो कि एक महिला के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसी के साथ ज्यादा देर तक जागने से महिलाएं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती, ऐसे में माँ लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, पुराणों में भी कहा जाता है कि स्त्री की नाभि में माता पार्वती की सभी शक्तियों का वास है। ऐसे में नाभि को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। अक्सर महिलाएं नाभि को इतना गंदा रखती है कि बुरी स्मेल भी आने लगती है और उसके अंदर गंदगी व मैल जमा हो जाता है, जिसके कारण माता पार्वती क्रोधित हो जाती है और स्त्री को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, उस पर उल्टा दोष बढ़ जाते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि जो स्त्री अपनी नाभि को गंदा रखती है तो उसकी शादी में बाधाएं आने लगती है, ग्रह कलेश बढ़ जाते हैं, नारी का जीवन बर्बाद हो जाता है क्योंकि नाभि में माता पार्वती का वास होता है। और जब आप इसे गंदा रखेंगे तो आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होगा, आपके ऊपर दोष हर हाल में आएंगे। इससे माता नाराज हो जाती है और स्त्री को दुखों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्त्री घर में दुर्भाग्य लाती है और ऐसे में उसके परिवार के सदस्य को भी हर कार्य में असफलता का सामना करना पड़ता है। इसलिए महिलाओं को ये गलती नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव। जय महाकाल।